नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका खुद का यूट्यूब चैनल अथर्ववर्ल्ड सोनार बांग्ला में। आज का ये जो एपिसोड है ये मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज जिन व्यक्ति हम लोगों के साथ बैठे हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, कौशिक के फ्रैग ब्रदर्स से, परफ्यूम एक्स इंडिया से सुप्रियो दा और जगदीश दा है, एक डेली यूज़र और बहुत ही ज्ञान रखने वाला लोग। तो चलिए बात करते गर्मी के टाइम, इसलिए गर्मी के ऊपर ही, गर्मी के लिए चलते जो अतर होता है उसके ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे। तो ये अभी अभी नया एक बैच आया है मेरे पास रू खस का, ग्रीन वेटीवर है अलीगढ़ वाला, और बहुत सारा लोग अभी इसको यूज़ भी कर रहा है क्योंकि एक महीना हुआ है। तो एक बार सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए कैसा लग रहा है ये खस। काफ़ी गाढ़ा है दादा, गाढ़ा एक्चुअली जो है सही है, इससे गाढ़ा ज़्यादा होगा तो उसका एक अलग फंडा आ जाएगा, बहुत मिलावट होता है इसमें। बहुत अच्छा, बिल्कुल एक आरती एक खुशबू है, एक टिपिकल खस की जो नोट होता है, जहाँ पे एक हल्का सा एक सैंडल की एक नोट है, एक आरती ग्रीनिश एक खुशबू है जो इस्तेमाल करने से ही आपको तुरंत एक ठंडक की एक एहसास मिलता है। बात है, सही बात, वो वाली बात मुझे इस खस में मिल रहा है। ये कौन से मतलब ओरिजिन से लिया गया है? अलीगढ़। अलीगढ़। ये लग रहा है खास तरह से गर्मी के दिनों को सोच के एकदम बनाया गया है। खस तो गर्मी में लगने वाला है। गर्मी का चीज ही है, मतलब वेटीवर्ड एक रूट्स होता है, उसको हाइड्रोडिसिलेशन प्रोसेस से, जो तांबे का डेक होता है, डेक भाप का प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। क्या ये फूड ग्रेड है? देखिए फूड ग्रेड ऐसे तो आप खा सकते हैं, कहीं पर लगा सकते हैं, लेकिन तामा का इसमें ऑक्सीडेशन है इसलिए खा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रीन खस का एक बात बता दे, कोई एक लीटर अगर खा जाएगा नहीं नहीं तो अलग ग्रीन खस से क्या होता है कि ग्रीन खस का शरबत भी बनता है। हाँ। और इसको रू अफजा वे, रू अफजा जो बनता है, रू अफजा उसमें कंपनी की रू अफजा, हां अमदद कंपनी, उसमें रोज और ये खस ये सब मिक्स करके उसका जो फ्लेवर आता है, उसमें रोज और खस का एक मिला जुला फ्लेवर उसमें से आता है और ओरिजिनल खस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली मुझे लखनऊ शहर में भी कई इस तरह की ड्रिंक्स, हाँ काफी ज्यादा वहाँ पे सेल होता है, दिल्ली में भी काफी, कलकत्ता में भी होता है, काफी बहुत ठंडक पहुँचाता है। इंडिया में खस का यूटिलिटी काफी ज्यादा है, काफी काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पसंद करते हैं कई चीजों से, इवन कुछ कुछ कहाँ के कहीं के खाने की चीजों में भी खस का इफेक्ट मिल जाता है। बहुत अच्छा खुशबू है इसका, ये बहुत अच्छा नया बैच मुझे मिला है तो मैंने उठा के रख दिया हूँ। आप लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी करीबन 3-4 लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी है। टूर से पहले मैं 2-4 जन को दे के आया हूँ, अच्छा चीज है, अच्छा चीज है। ठीक है, तो दूसरे अतर के ऊपर बात करते हैं। मेरा खुद का क्रिएशन है, हिमाचल है, 9 ml के एक बॉटल में आता है। आप इसका 3 ml भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 9 ml का ऐसा बॉटल आता है, थोड़ा फैंसी बॉटल आता है। और हिमाचल के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा हिमाचल प्रदेश को मैंने डेडिकेट किया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा वाला मौसम मिलेगा, लेकिन इसमें मैंने ऊद इस्तेमाल किया है, ब्राउन खस इस्तेमाल किया है। अच्छा। ऊद के साथ खस बहुत अच्छा जाता है। फिर चंदन, फिर गुलाब और जस्मीनम संबाक जो मोतिया कहते हैं वो, और इसमें सौंफ का खुशबू इस्तेमाल मैंने किया है। अच्छा। गार्डनिया का किया है और लाइम भर के किया है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और थोड़ा कोशिश देख लें कहाँ जी, आप यहाँ पे दीजिए जी 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 सुप्रियोदा, थोड़ा एक शॉर्ट रिव्यू चाहूँगा आप लोगों से। बहुत अच्छा है, गुलाब का खुशबू प्रोमिनेंट टॉप नोट में आ रहा है और लाइम का खुशबू एकदम, बहुत दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक पंजी सा एक स्मेल है, जिस स्मेल में कुछ टिपिकल उडी नोट्स हैं, थोड़ा सा फ्लोरल नोट है, जो आई थिंक मोतिया की जो नोट है वो नोट बाकी नोट को पीछे छोड़ते हुए टॉप नोट में उभर के आने की एक कोशिश कर रहा है, पर ऊद की तरफ से इसको बीच में रोका गया है। मतलब ऊद की जो उडीनेस है ना, वो मोतिया के साथ बहुत ही अच्छी तरह से एक राउंड एकॉर्ड को यहाँ पे दर्शाता है। वही बात है, मुझे ये ज़्यादा पार्टी परफ्यूम जैसे मुझे ज़्यादा लग रहा है, शायद महिलाएं इसको ज़्यादा पसंद करेंगे ऐसा जी, लग रहा जी, है एक, शाम एक, के एक, लिए मेरे ख्याल से भी है इसकी खुशबू में, क्योंकि गुलाब और लेमन का जो खुशबू है ये दोनों मिलके नेचुरली एक वुमेन साइकोलॉजी को काफ़ी एक्टिवेट। खुशबू तो वुमेन जेंट्स सबके लिए है,
गुलाब प्यारा है पर गुलाब होता है कांटों वाला। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों कि ये वाला परफ्यूम मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेटिक जो डिओड्रेंट्स वगैरह मार्केट में बिकते हैं उनमें आप वो सब कैटेगराइजेशन ढूंढ लीजिएगा, पर जब इत्र की बात आती है दोस्तों तो ये फील पे डिपेंड करता है। आपका फील अगर किसी भी एक इत्र की प्रोफाइल के साथ मैच करता है तो उस सीजन के अनुसार, उस समय के अनुसार या फिर उस एटमोसफियर के अनुसार आप उस इत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द रू गुलाब को इस्तेमाल करते हैं और इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। ये बहुत एक अच्छा कल्चर है, ये एक तरह का कस्टम है रू गुलाब इस्तेमाल करना, और कोई नहीं कहता कि ये फीमेल परफ्यूम हमने डाल दिया। हाँ। और सबसे बड़ी बात ना, इसमें मैंने जो सौंफ होता है एनिसिड, उसका जो एसेंशियल ऑयल मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि वो गर्मी में बहुत हेल्प करता है ठंडक महसूस के लिए, क्योंकि जो ठंडाई शरबत होता है। मैं बता दूं, बंगाली कल्चर में इस सौंफ को मोड़ी कहते हैं। मोड़ी, मोड़ी। तो जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा चीज है, इसे आप एक बार अंडरस्टैंडिंग के तौर पे जान ले या फिर गूगल करके भी देख लीजिए। एनिसिड सौंफ या फिर मोड़ी, ये खाने के ये मतलब चीज नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं पूरे पूरे भोजन के बाद। ऑलमोस्ट सारे हिंदुस्तान में लोग इसको डाइजेस्टिव भी है। सबसे बड़ा डाइजेस्टिव, उस डाइजेस्टिव में देखिए कि मीठा सा फीलिंग है और सबसे बड़ी बात वो माउथ फ्रेशनर भी है। हाँ जी, इसी की वजह से कूलिंग एक आफ्टर शेव के साथ हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। डेनिम का एक आफ्टर शेव होता है ना, हाँ, जिसमें एक सौंफ की बहुत ही ब्यूटीफुल खुशबू रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस प्रोफाइल के साथ ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, और ये तो नेचुरल में है, इसमें और भी कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है। हाँ। पर उस टाइप की एक रिफ्रेशिंग वाइब इस से हमें मिलता है। और इसका लॉन्ग लास्टिंग पावर दोस्तों ऐसे 2-3 घंटा, ज्यादा नहीं होगा। तो जो लोग 2-3 घंटा पसंद करते खुशबू टिका रहेगा वो लोग के लिए सिर्फ है, परफेक्ट इवनिंग 6-7 घंटा के लिए नहीं है। इवनिंग पार्टी के लिए, और इतनी गर्मी में 6-7 घंटा कोई परफ्यूम टिकता भी नहीं है, टिकता भी नहीं है। चलिए दोस्तों दूसरे इत्र के ऊपर चर्चा करते है। मेरे पास बहुत सारा खस बेस इत्र है, तो पहले तो इसको घुमा के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे बॉक्स में आता है, 6 सेट्स होता है वो, इसमें सिर्फ रास्तारंगी नहीं छोड़ के सभी खसबेस इत्र है। तो पहले तुहिन के बारे में बात करते हैं। तुहिन मेरा बहुत ही पुराना क्रिएशन है, लगभग 2 साल पहले मैंने इसको लॉन्च किया था। तुहिन का मतलब भी होता है, तुहिन मतलब ठंडक देने वाला, तुहिन मतलब बर्फ होता है, तुहिन मतलब बर्फ होता है। तो उस फील को लाने का कोशिश मैंने किया है। थोड़ा एक स्वाइप इधर मुझे थोड़ा सा ही दीजिए क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है, आपको भेजा था। ट्विन के बारे में बता देता हूँ, इसमें टॉप नोट में सिट्रोनेला ऑयल मैंने इस्तेमाल किया, जो आतर में इस्तेमाल लगभग नहीं होता है। नहीं यहाँ पे, लेकिन सिट्रोनेला ऑयल का खुशबू उतना आ नहीं रहा है। क्योंकि खस का आ रहा है। नहीं, इसमें मैंने रजनीगंधा का इत्र मैंने प्रयोग किया। अच्छा, तो रजनीगंधा और सिट्रोनेला एक साथ होके एक स्मूथ सा खुशबू देता है। खस तो है, लेकिन मुझे एक अजीब सा, एक तील के जो फूल होते हैं ना, अच्छा उसका भी खुशबू मुझे मिल रहा है। मिल के हिंट आ रहा है रजनीगंधा के साथ खस का एक कॉम्बिनेशन के। तील के तेल तो पूरे तुहिन के बारे में मैं कुछ ड्रॉबैक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी इस इत्र को इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से सिट्रोनेला की प्रोफाइल रहना चाहिए, जो एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है सिट्रोनेला को अगर आप अप्लाई करें, तो तुहिन में वो वाला प्रोफाइल मुझे सिट्रोनेला की तरफ से उतना नहीं मिलता। तो इस बारे में मैं उतना इम्प्रेस नहीं हूँ सिट्रोनेला के प्रयोग से। और बाकी जो चीज़ों को दादा ने डाला है, पर्टिकुलरली जो लेमन टाइप की चीजों को आपने इस्तेमाल किया, नहीं एक्चुअली वो सिट्रोनेला है, लेमन नहीं इस्तेमाल। लेमन में कुछ वो सिट्रोनेला का ही खुशबू, लेमन लेमन कटा के हिंट दिया है। मुझे लगा था कि शायद नहीं, एक्चुअली रजनीगंधा क्या है ना, रजनीगंधा बहुत फ्रेश होता है, स्वीट के साथ फ्रेश। इसके साथ जब मैंने सिट्रोनेला दिया, ऐसा लगेगा कि लेमन नोट आ गया। जी जी जी, अच्छा है। सिट्रोनेला का खुशबू अगर ज्यादा आने लगे, ज्यादा ज्यादा, तो वो लगेगा कि थोड़ा फिनाइल टाइप का नोट में चला जाएगा। अब शरीर में देंगे फेनोलिक नोट, नोट है, फेनोलिक नोट आ रहा है, जो इंडोल टाइप की नोट्स होते हैं, उस टाइप के नोट है सिट्रोन। वैसा अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा। फिर बात करते हैं गुलेशान। गुलेशान क्या है, आप जैसे तुहिन सुन रहे थे, गुलेशान या गुलशन? नहीं, गुलेशान, गुल ए शान। ओह शान, शान। तो इसमें टॉप नोट में ऑरेंज एसेंशियल ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है, और खासकर जो होता है खास चंदन, गुलाब और भी बहुत सारा चीज, जो तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरा फॉर्मूला है। एक बार आप लोग ये भी ट्राई करके देखिए,
कहाँ कहाँ लगाओ चीज ही ऐसा है। हाँ, ये एक बेहतरीन कंपोजिशन है, पर ये बहुत ही सॉफ्ट है दोस्तों। सॉफ्ट है, बहुत पावरफुल मैं इसे नहीं कहूँगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप क्लोज इन्वायरमेंट में इसको लगा के बैठते हैं तो आपको काफी अच्छा फील मिलेगा। और क्या ऑरेंज फेसिंग सा एक खुशबू, ऑरेंज का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ऑरेंज का कुछ है मुझे फर्स्ट लेमन में लेमन टाइप का, लेमन ऑरेंज टाइप के सिट्रस ग्रुप में आई थिंक ऑरेंज के जैसा स्वीट और वो राउंडेड एकॉर्ड और किसी भी मटेरियल में नहीं मिलता। ये भी गर्मी के लिए खास है, बहुत चलता है गर्मी में। मेरा जो भी साइट्रस बेस का कुछ भी हो तो चलता है, बर्गामॉट है, लेमन है, ये सब भी सब ज्यादा चलता है। और इसके बाद मैं बात करूंगा खुशबू मुस्तफा, खुशबू मुस्तफा के ऊपर, मुस्तफा माने नबी जी। हाँ, उसका जो खुशबू, मतलब ऐसे गर्मी में मैंने ट्राई किया था कुछ लगभग अलग करने के लिए, तो खस तो है इसमें, जो डेग वाला खस होता है, ग्रीन खस। इसका कलर भी ग्रीन टाइप का ही है, ग्रीनिश ही है। और इसमें गुलाब है, चमेली है, मोतिया है और हरसिंगार है। अच्छा। हरसिंगार आतर में बहुत सारा लोग कम प्रयोग करते हैं। हाँ, हाँ। मैंने कभी इतना देखा नहीं कि हरसिंगार का एक मुखलत हो सकता है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करते। आप देखिए इसके, इसमें खस के साथ एक फ्लोरल बेस का अच्छा। जो स्मेल आता है ना, वही आपको आएगा। यहाँ पे दीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ। ये बहुत ही बढ़िया एक फ्लोरल बोके टाइप की एक खुशबू दे रही है, बहुत ही सॉफ्ट है, नाजुक है, थोड़ा चमेली जैसे खुशबू भी चमेली है इसमें। चमेली है, चमेली है, मोतिया है, इसमें हर फ्लोरल कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कई सारे फ्लोरल की जो मजमुआ टाइप का दिखेगा जा रहा है। जी जी, मतलब मजमुआ तो है नहीं, मजमुआ होके भी नहीं है, ऐसा टाइप का ही है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत सारा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लोग सॉफ्ट खुशबू पसंद करते हैं गर्मी में। अगर है दादा इससे भी ज्यादा सॉफ्ट वो इसके पहले वाला गुलेशान सॉफ्ट है। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट है। और जुल्फों की खुशबू की थोड़ा सा अंदाज आ रहा है। जी जी जी, देखिए इतर ऐसा चीज है ना जो मन को रोमांटिक कर देता है कोई भी। तो इसके बाद मैं बात करूंगा खस मुस्कान के ऊपर। खस मुस्कान क्यों, खस अगर मुस्कुराते नजर आए तो जैसे लग सकता है खस को, वैसे मैं कोशिश किया हूँ। इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है, अच्छा। रोज वगैरह तो है, चंदन, खस है और भी बहुत सारा चीज मैंने इसमें डाले, मतलब मुस्काने का हर चीज आप डाल चुके हैं इसमें। देखिए इतर ऐसा होता है ना, आप जब लगाएगा तो आपका मुस्कान आएगा। बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन है। आप तो एक से आप क्या कहे कि आपको एक भी चीज को हम ठुकरा नहीं पा रहे दोस्तों। ये एक छोटा सा खजाना है, खजाना। इसे साथ में लेके गर्मी के मौसम में चलिए, किसी भी जगह पे जाइए आप, आपको हर एक मूड को डिफाइन करने वाला इत्र मिल जाएगा। टाइम कम है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। इसके बाद आता है मजमुआ अदीना, इसका एक हिस्ट्री है। मैंने अदीना मस्जिद में गए थे, वो मालदा में है, तो उधर एक चाचा बैठे थे, तो उनके शरीर से अलग सा स्मेल आ रहा था। मैं कहा कि चाचा इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा मैं नीमत का जो 96 मजमुआ है, अच्छा। उसके साथ ऊद, नेचुरल ऊद मिला के मैं लगाया हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो घर में आके ट्राई करते, लेकिन मैं पूरा कॉपी तो नहीं किया, उसको अलग ढंग से बनाने का कोशिश किया। इसमें चोया डल डाला, चोया लुबान डाला और ऊद भी डाला है, और मजमुआ तो है ही है। देखिए क्लासिक खुशबू होगा और इसका कलर देखिए पूरा ग्रीन टाइप का नहीं है, ऊद डालने के लिए थोड़ा ये ब्राउनिश ग्रीनिश टाइप का हो गया है। मजमुआ के साथ अगर ऊद और भी अलग सा, जैसे थोड़ा चॉकलेट स्मेल, चॉकलेट स्मेल किसका है ये चॉकलेट? एक्चुअली ऊद, चोया लोबान, चोया डाल जब एक साथ मिल गया है ना, थोड़ा चॉकलेटी, थोड़ा डार्क स्मेल दे रहा, स्मोकी स्वीट, हल्का सा एक एम्बरी नोट को भी ये दर्शाता है, एम्बर नोट आ रहा है इसमें। जी जी, चॉकलेट की वजह से मेरे ख्याल से जो एम्बर भी यूज किया गया है, कम उम्र की एम्बर भी होगा इसलिए, नहीं एम्बर नहीं है इसमें। अच्छा, ये नहीं लगता कि ये समर फ्रेग्रेंस के कैटेगरीज में आएगा? हां ये जाड़े में यूज करना नहीं, इसका क्या है, इसका क्या है मैं बता दूं।
एकदम धूप में आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हालांकि इसमें खास है, लेकिन इसमें ऊद भी तो है। नहीं, इसको शाम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। या तो बारिश हुआ है थोड़ा, विंटर में ज्यादा जाएगा। नहीं नहीं, विंटर नहीं, बारिश के टाइम में बहुत अच्छा जाएगा। आप एक बार देखिए, और एकदम शाम के दौरान और बारिश के दौरान तो है ही, मतलब जब ज्यादा धूप ना रहे उस समय पे या फिर उस एनवायरनमेंट में अगर आप इस्तेमाल करते हैं। टीम साइकोलॉजी में ज्यादा स्पेशली अच्छा, जो 15 से 20 22 साल के जो उम्र के लोग हैं उनमें लगता है काफी इफेक्ट, देखिए चॉकलेट की वजह से। नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। की जो फीलिंग्स है, ऊद की फीलिंग्स, आई थिंक मतलब मैंने जितना देखा यंगस्टर्स को ऊद वियर्ड लगता है, उसमें जो स्कैंकीनेस होता है। तो इसीलिए आप जब इसको इस तरह के कुछ कुछ, हर एक का सोच अलग होता है खुशबू के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चॉकलेट परफ्यूम, चॉकलेट रिलेटेड चीज का दादा ने ये बात बहुत ही सही कहा है कि इसमें चॉकलेटी हिंट है, और चॉकलेटी हिंट टीनेजर्स को काफी अच्छा लगता है। हिंट तो अच्छा है इसमें। अब ड्राई डाउन देखने से पता चलेगा कि अल्टीमेट प्रोफाइल क्या होता है। एक मिनट में हम लोग बात नहीं कर सकते, अच्छा है वो बुरा है, गलत है, वो अलग है। टॉप नोट के ऊपर हम रिव्यू कर रहे हैं। जी जी जी। नहीं, एक्चुअली आर्थर की दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, ये इंसान इंसान में फर्क होता है। जी जी जी। आपको कोई चीज पसंद है, मुझे वही चीज पसंद हो, ऐसा बहुत सारे लोग को मजमू पसंद नहीं आता, उसका टॉप नोट एक केवड़ा है, वो सर चढ़ता है, ऐसे लोग कहते हैं। आर्थर यूनिक चीज। जी, इसके बाद मैं बात करूंगा रास तरंगिनी के ऊपर। रास तरंगिनी मतलब कलहन का जो रास तरंगिनी ग्रंथ है, कश्मीर को दर्शाते हुए इसमें कश्मीर का जो सैफ्रॉन केसर डाला है मैंने, और भी बहुत सारा चीज है इसमें। गुलाब तो है ही है, क्योंकि कोई भी मुखल्लद में आप गुलाब ना डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता। एकदम। और इसके साथ मैसूर सैंडल है, ऊद भी है, और भी बहुत सारा चीज है। आप लोग जानते होंगे रास तरंगिनी के बारे में। खासकर मेरा एक दोस्त है, दोस्त मतलब वो पहले तो मुझसे आता लेता था, अभी तो दोस्त बन गया, प्रशांत पाटिल जी, वो मुंबई में रहते हैं, उनको बहुत पसंद है ये चीज़ रास तरंगिनी। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए। मेरे ख्याल से रास तरंगिनी मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, मतलब सैफ्रॉन उसके साथ गुलाब, रू तो मैं नहीं कहूंगा, शायद ये फर्स्ट जल गुलाब है, रू नहीं। जी जी। क्योंकि इसका प्राइस भी मैंने ज्यादा नहीं रखा है, अब रू कहाँ से देंगे इसमें। ऊद का इस्तेमाल, ऊद का भी इस्तेमाल बहुत लाइट 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 लग रहा है। बेस को ऊद पकड़ के चल रही है, बॉडी में गुलाब तो है, और टॉप नोट में केसर का इतना ब्यूटीफुल नोट है दोस्तों कि इसे एक वर्ड में सम अप करना मुश्किल है। ये बहुत अच्छा, ऊद और केसर, ये दोनों, ये दोनों का असर काफी स्ट्रांग है। ये अच्छा। गर्मी के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं इसका क्यूब रिव्यू दे रहा हूँ। नहीं, गर्मी के लिए हो सकता है, सही है, सही है। ये बहुत अच्छा, इतना सारा परफ्यूम में हमें जो लगा ये टॉप है। ऊद डालने से ही चीजें गाढ़ा बन जाती है या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ये हमारा एक सोच है प्रैक्टिकली में। अब देखिए इसमें केसर है, लेकिन आपको गर्मी का महसूस नहीं दे रहा, ठंड का महसूस, क्योंकि रोज भी है और रोज उसको कवर कर रहा है। इसी ये थोड़े थोड़े मात्रा में रहे हैं इस इत्र में, तो ये गुलाब की बेसिक मुखल्लत है, बहुत अच्छा मुखल्लत है, काफी अच्छी तरह से कम्प्लीमेंट करते हैं। और दोस्तों दो अतर बचा है, मेरा सिग्नेचर चीज है। आप लोग जानते होंगे मैं बहुत, मतलब हर साल मेरा जितना अतर बेचते 50% वो सुपर शावर रहता है। बहुत सारा टोबैको इंडस्ट्रीज भी ले रहे हैं, हालांकि कॉस्टली चीज़ है टोबैको के लिए, लेकिन फिर भी ये अलग चीज़ है। और मैं तो कहूँगा एक बार मेरा शावमा जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, 100% कोई भी शावमा आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये तो मैं कह दूंगा, एक बार ट्राई करके देखिए। ये एक्चुअली मैं अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही मतलब यूनिक काइंड ऑफ प्रोफाइल ये मेंटेन करता है। कौशिक के साथ जब मुलाकात हुआ था तो मैं ऑलरेडी कंज्यूमर हूँ, मतलब शावमा हर महीने तो मैं नहीं कहूंगा, पर हर 3-4 महीने में मैं एक बार एक बोतल सुपर शावमा दादा से लेता रहता हूँ। तो सुपर शावमा मुझे पता है ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। एक्चुअली गर्मी के लिए एकदम सही नहीं है, सर्दी में अगर आप लगा लीजिएगा ना, आपको स्वेटर थोड़ा पतला भी होगा तो चल जाएगा। मैंने इसका एक थेरेपी, ये बिल्कुल टिपिकल विंटर का परफ्यूम है। जी जी, कोई डाउट नहीं। अभी इसका रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या है ना, ये ज्यादा चलता है तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी बता दूं। इसकी तो एक थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी भी है, मैंने देखा है कि सर्दी जुकाम जब हो जाती है तब अगर आप इस शावमा को थोड़ा सा आपके कान के आसपास में गले में थोड़ा सा इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं तो कुछ ही देर में आपका जो मतलब सर दर्द या फिर काफी स्पाइसी सर्दी स्पाइसी के लिए जो अनइजी फील होता है ना, वो बैलेंस्ड हो जाता मैं है। कह देना चाहता हूँ, मेरे पास जो स्पेशल शावमा है वो है को डिस्टिलेशन, उसके साथ मैंने जड़ी बूटी और हर्ब्स का जो एसेंशियल ऑयल है
वो मिला के इसको बनाया है, लेकिन इसका फॉर्मूला मेरे पास है और इसको मिला के ऐसा नहीं होता, आप मिला दिया बस हो गया, इसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, रखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए अभी दिसंबर में सुपर सोनामा नया आएगा, इसलिए मैं वो जनवरी में उसका एकदम प्रोसेस कर दिया था। अभी वो कम से कम ऐसा कुछ 11 महीना 10 महीना रहेगा, पड़ा ही रहेगा। मतलब इस साल की जनवरी में आपने प्रोसेस करके छोड़ा है, क्योंकि वो मटेरियल दिसंबर में जाके निकलेगा साल के अंत में। वही बात है, जितना जितना पुराना होगा ना उसमें केमिकल्स विल मैरी ईच अदर। हां फैक्ट। और लास्ट जो है उद वाजिद, हालांकि उद सुहागा मेरा चलने वाला सबसे बड़ा ब्लेंड है, लेकिन क्या है वो एकदम ख़त्म हो गया था, तो वो भी अभी मैंने प्रोसेस करने के लिए रख दिया हूँ। तो ऊद वाजिद ये भी सर्दी के लिए ही है, गर्मी के लिए एकदम नहीं है। तो एक एक स्वाइप लगा लीजिए, फिर धो दीजिएगा हाथ, क्योंकि बहुत गर्मी फील देता है। अब यहाँ पे दे दीजिए थोड़ा सा। इसका ओपन नोट ये टिपिकल ऊद काफ़ी स्ट्रॉन्ग विथ टोबैको। हाँ, लोग को लगता है टोबैको, लेकिन इसमें टोबैको एक भी नहीं है। ये नक की जो स्मेल है ना, छोया छोया नक छोया रल टाइप के चीजों की जो स्मेल है, वो भी है, वो भी है, वो यहाँ पे ऊद की बेसिक प्रोफाइल को ओवरपावर कर रही है। जटामांसी जी जटामांसी तो है ही वहाँ पे, और जटामांसी को वो सुगंध वाला भी कहा जाता है ना, सुगंध वाला। और ये टोबैको इंडस्ट्री में काफी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है ये वाला प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे ऊद की, वो एक शार्प जो ओपनिंग है, एक हल्का सा शार्प, एक एनिमल, एक ऊडी ओपनिंग है, वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपको एक धुएं का स्ट्रक्चर मिलेगा, एकदम जलने वाला ऊद का स्मोकी स्मोकी स्मेल, स्मोकी। जो यहाँ पे एक बखूरदानी भी रखा गया है सामने, देखिए दादा इसको थोड़ा सा उठा के दिखाइए। इस बखूरदान में हमने जिस टाइप के बखूर को कुछ ही देर पहले जलाया था, उस टाइप की कुछ सिमिलर स्मेल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, ये एक्चुअली वो जब ऊद का लकड़ी जलता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया था। अच्छा है, बहुत अच्छा। जलने वाला ऊद का जो खुशबू काफी बढ़िया है। ये एक्चुअली आप मानोगे नहीं, ये गल्फ कंट्री में बहुत चलता है, इधर से लोग लेके जाता है उधर, क्योंकि मैं तो उधर डिलीवरी नहीं कर पाते। लेकिन अभी शुक्रियोदा के उपस्थिति में बांग्लादेश में मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अभी क्या है, उधर बहुत चलता है, जो अरब के शेख लोग वगैरह है वो बहुत इस कल्चर में टिपिकली वो लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग चीज प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये अरब लोग एक प्रोफाइल ऐसा और साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, हालांकि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम करते हैं, उधर गर्मी इतना पड़ता है। खासकर मैं जानता नहीं साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के लोग काफी अरब दुनिया में जाते रहते हैं ना, तो उनका एक असर आ गया। केरला में जो भी लोग होते हैं वो तो ज्यादातर बाहर ही जाते रहते हैं, वो दुबई में रहते हैं बहुत, एक भी मुझे नहीं लगा। हाँ, एक तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा है, मगर कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं, वो सर्दी में अच्छा लगे, सर्दी के मौसम में काफी जमती है ये सब स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स। कोशी कैसा लगा, ऐसे कोशी से पूछने का जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया एक्चुअली। देखिए, दादा के साथ तो मेरा पुराना रिलेशन है, और आज भी मैं कभी कभी दादा के पास जाता हूँ, दादा के साथ मुलाकात हो जाती है, कभी एक साथ घूमने भी निकलते हैं। तो दादा के जितने भी मटेरियल्स हैं ये कुछ हद तक मैंने इस्तेमाल किया है। मेरा जब 1K कंप्लीट हुआ था, पूरा वीडियो कोशिश नहीं किया था, हम लोग जकरिया स्ट्रीट है बड़ा बाजार का, काफ़ी व्यू भी आया है। और मतलब लोग तो एक समय में हमसे ये पूछते भी थे कि क्या आप दोनों दोस्त हैं, क्या मिलके वीडियो बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस बारे में थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूँ। थोड़ा खुलासा कर दे। दादा ने चैनल शुरू किया था कुछ 3 साल पहले, 3 या 4 साल। मैंने चैनल दादा के बाद ओपन किया है, और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ उनसे। और मैंने जब मेरा जर्नी शुरू किया तो पहले मैं जो सिंथेटिक टाइप की चीज़ें हैं उन्हीं को मैं इस्तेमाल करता था, समझ भी नहीं था। नेचुरल अत्तर में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग रहा है तो उसमें दादा का एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ा रोल दादा ने प्ले किया है। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ों की पढ़ाई मैंने खुद किया है, पर दादा ने काफ़ी गाइडेंस मुझे प्रोवाइड किया था नेचुरल चीज़ों को समझने में। और उसके बाद आगे चलते हुए जो भी मतलब वीडियोज़ मैं मेरे चैनल में लाता हूँ, ये मेरे साथ जो
नए नए एक्सपीरियंस, नए नए जो कल्चर के जो चीज़ें मैंने जोड़ा है या फिर जो चीज़ें जुड़ गई हैं ये सब मिला के मैंने किया है। शुक्रियोदा है मेरे साथ, उनके साथ मैं काफ़ी सारे चीज़ों की वीडियो करता रहता हूँ, दादा के प्रोडक्ट्स को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे नया खुशबू बनाना अच्छा लगता है, नए मटेरियल्स को ढूंढना, सेमी नेचुरल चीज़ें लेके हम काम करते हैं। देखिए हम लोग सब ऐसे ही हैं, जैसे पर दादा खासतौर पे, मैं ये बता दूँ दादा, आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा, दादा अभी तक नेचुरल में रहते हैं और वो नेचुरल छोड़ के सिंथेटिक ग्रुप में ज़्यादा आना भी नहीं चाहते हैं। ये एक तरह का डेडिकेशन मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रोफाइल के खोज में कई चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, नेचुरल या फिर सिंथेटिक कौन सा अच्छा है मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, पर नेचुरल चीज़ों को मेंटेन करने के लिए दादा ने जो डेडिकेशन डिस्प्ले किया है या फिर दादा का जो इंटेंशन है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई तो हो जो नेचुरल चीज़ों के बारे में ही बात करे। नहीं, मैंने वही कोशिश किया है कि देखिए सबका जो रास्ता है एकदम सही है, लेकिन मैं अपने रास्ते में रहना चाहूँगा। जैसे देखिए मैं भी एक कलेक्टर था, आप परफ्यूम गुरु चैनल देखता था, निखिल सर को देखता था, तो मैंने सोचा वो भी रिव्यू दे रहा है, मैं भी थोड़ा कोशिश करूँ, तो फिर मैंने कोशिश किया। सबका एक सहयोगी होता है एकदम। मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो गुरु ही मानता हूँ परफ्यूम गुरु को, निखिल सर को। ऐसा ही है, मतलब एक कल्चर है, एक से एक तक, एक से एक तक, दूसरे से दूसरे तक। इस दुनिया, ये जो खुशबू की दुनिया एक ऐसी चीज़ है, ये जो उस्तादी प्रथा जो गुरु से ही सीख के आ जाते हैं, किताबें आप हज़ारों पढ़ ले, मगर ये चीज़ जो आपको जो बनाने के लिए आपको वो गुरु का काफ़ी कृपा होना चाहिए इसमें। गुरु अगर आपको सही तरह इसको आपके अंदर एक्सपीरियंस प्रवाह लाते हैं, ज्ञान का प्रवाह जब लाते हैं, तभी जाके ये चीज़ होती है। और ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। पर आजकल सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस रहते हुए हम देख रहे हैं कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स कुछ नेगेटिव तौर तरीके के काम कर रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे फ्रेगरेंसेस की वो रिव्यू दे रहे हैं जिनमें बेस मटेरियल या फिर टॉप नोट मिड नोट के मटेरियल कुछ अलग ही हैं। मतलब वो जो कह रहे हैं कि जो चीज़ें डाल के इन्हें बनाया गया है, असल में उन टाइप के चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अर्थात कैसे भी हो एक चीज़ को मुझे बेटर दिखाना है, बेटर कह देना है, शायद वो चीज़ हो या ना हो, ओरिजिनलिटी वहाँ पे कुछ हो या ना हो, तो इस तरह की इन्फ्लुएंस से आप बच के रहिए। आप चीज़ों को खरीदिए, सैम्पल मांगिए, सैम्पल के तौर में चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, फिर जाके आप बल्क क्वांटिटी में जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस कीजिए। कई सारे जगह पे हमने देखा है दोस्तों इस टाइप के काम को, और यूट्यूब में भी ऐसे कई सारे चैनल्स हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर बहुत सारे चैनल हैं। एक बहुत बड़ा चैनल भी है जिसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ मानते हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसे नेगेटिव काम हो चुका है। मतलब कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया था कि ये वो है, इस टाइप की प्रोफाइल है, पर असल में वो है नहीं दोस्तों। तो मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चौकन्ना रहें, अपने अवेयरनेस को आप बरकरार रखें। नहीं, इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि देखिए आप 1.5 ml लीजिए, 1 ml खरीद लीजिए। अब क्या हो, अगर आपको वो पसंद आएगा तो आप बल्क क्वांटिटी में ले लीजिएगा। एक तोला में पैसा बर्बाद करने का जरूरत भी नहीं है। और दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि ये रास्तरिंग नहीं, तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ ये अतर के दुनिया में और केमिकल और सब की दुनिया, मैंने ये फ्रेगनेंस लाइन में, ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए आप, गारंटी है, ये मेरी तरफ से गारंटी है, ये आपको अच्छा लगेगा। क्यों कौशिदर? जी, मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लगा ये आइटम तो बहुत अच्छा है। नाश्तनंगड़ी मेरे पास एक रखा भी गया है, इतना नायाब है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर दूँ। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा है, करो आप इस्तेमाल करो। मैं हूँ एक्चुअली बात क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग थोड़ा सचेतन होइए, क्योंकि देखिए दुनिया खराब होगा, लेकिन आप अगर सही जगह पकड़ के रखिएगा तो कोई खराब ही नहीं होगा। आप 1.5 ml लीजिए, 1 ml लीजिए, सैंपल मंगवा लीजिए, फिर एकदम फिर आपका वो बड़ा क्वांटिटी में खरीदारी। और ये जो ये पेट प्रमोशन की जो कल्चर है, इसको इसे भी हमें बदलना होगा, ये बदलना होगा इसको। जो भी ऑनेस्ट
तरीके से आप एक्सपीरियंस करते हैं, इसी को बताइए ना आप, इससे क्या जाता है एकदम। मुझे कुछ बड़ा चरा के कहने की जरूरत नहीं होगा अगर मेरे प्रोडक्ट में दम हो। बात और ये नेचुरल को अगर मतलब नेचुरल बोल के सिंथेटिक बेचा जाए ना दोस्तों, तो ये बहुत ही गलत काम होता है। और हमारे साथ ये काफ़ी शुरुआती तौर में हो चुका है, मेरे साथ हुआ है। एक बड़े कंपनी का मैंने मटेरियल लिया था, ये सोच के रिव्यू देख के मैं गया था कि नेचुरल है, ये है वो है, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ही वो ऑल्फैक्टरी फैटिक जो इरिटेशन होती है वो सारी बात मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो वहाँ से जाके मेरा एक अलग रियलाइजेशन आया कि बातों में उतना जाना नहीं चाहिए, हम छोटे छोटे क्वांटिटी में चीज़ों को ले, फिर उनको इस्तेमाल करें, फिर अपना जो एक्सपीरियंस बनता है उसी के तौर पे हम धारणा को बैठाएं। एकदम सही बात। देखिए दोस्तों, सब आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है। आप लोग अगर चाहे तो जो खराब है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो उसको सप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। जगदीश दा, स्पेशल थैंक्स टू यू, आपने समय निकाला। और कौशिक तो देखिए मेरा भाई है, उसको कहने का ज़रूरत नहीं है। सुप्रियोदा धन्यवाद। चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। पूरा जर्नी आप लोगों को शायद अच्छा लगा हुआ हो। और देखिए मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा गलत सलत कर देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे दोस्त समझते हो और दोस्ती में ऐसा चलता है दोस्तों, अच्छा बुरा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छे से रहिए और खुशबू के साथ रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दादा भूल गए हैं बोलना। चुनीलाल सेटर भी चीज़ हो रही है। हमें ना दूर कटो 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 ये चलो ना एक लो है ना जी आपके बने जो कम बहु विचित्र रकम अभिज्ञता आते মানে ভগবান আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি আমার জীবনে ডেলিভারি করেছি জানেন, একটা মেয়ের মানে ডেলিভারিতে আমি পার্টিসিপেট